राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ। पाठ का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। यह चपला देवी द्वारा लिखित एक रचना है। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने एक गद्य रचना में प्रस्तुत किया। उनकी ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज शैली का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज शैली में लिखी जाती है। स्वाधीनता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं और अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका रही। बालिका मैना की ये कथा हिंदू पंच पत्रिका के बलिदान अंक में 1930 में प्रकाशित हुई थी। ये अंक उस समय अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने तो योगदान दिया ही, बालिकाएं भी पीछे नहीं रहीं। उस गौरवशाली लेकिन भूली बिसरी यादों को फिर से जीवित करने और किशोर पीढ़ी को उनसे परिचित करवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत है चपला देवी की रचना नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि
क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, इस मकान की रक्षा कीजिए। मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अरे, ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, आओ, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? शर, शर, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या? क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आओ, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यही संभव नहीं। नाना साहेब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आओ, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। आगे बढ़ो, किले के अंदर चलो, 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 चलो। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर
तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल ऑटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वो उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ, ये नाना की लड़की मैना है। अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई।
भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख चपला देवी, विषय संयोजन डॉक्टर चंद्रा सदायत और डॉक्टर माधवी कुमार, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, दिनेश वर्मा, कीमती आनंद और हन्ना, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।